सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बात कर रहा हूं वेरिकोज वेन पर। वेरिकोज वेन ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है और इसका जो विशेष कारण है वो है अधिक समय तक खड़े रहना। आज आप जितने भी कार्य करते हैं घर में, खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक भी, आज आप बाहर जाते हैं कहीं भी पार्टीज में जाते हैं तो अधिकांश घंटों घंटों खड़े रहते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं तो खड़े रहते हैं। इस तरह के जितने भी जो कार्य आप खड़े होकर करते हैं तो उन सब कार्यों से आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी वेन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर बॉडी में होता है लेकिन नीचे से ऊपर की ओर नहीं आ पाता, तो सर्कुलेशन आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड का। और जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो ब्लड रुकने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होने से ब्लड सड़ने लगता है। कई बार ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं जिनको बहुत अधिक ब्लड सड़ जाता है और पस पड़ने लगता है, बाहर पस रिसने लगता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खड़ा होना अवॉइड करें। सबसे पहले आप घर में भी, किचन में भी, आप एक स्टूल बनवाएं अपने स्लैब के हिसाब से, जितना आपका स्लैब है किचन का उसके अकॉर्डिंग आप स्टूल की हाइट रखें, उस पर बैठकर ही आप खाना बनाएं, बैठकर ही आप मोस्टली काम करें। अधिकांश जो रिसेप्शनिस्ट हैं जिनका काम खड़े रहने का रहता है, स्कूल टीचर हैं, जो स्कूलों में आजकल चेयर का ट्रेंड ख़त्म कर दिया गया है, इस टीचर को खड़ा रहना पड़ता है, इस कारण से भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम अधिकांश जो टीचर हैं उनको बहुत अधिक पाई जाती है। तो आपको बीच बीच में बैठना है, लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है। अगर आप खड़ा रहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले कारण को दूर करना है, फिर सॉल्यूशन आपको स्वतः मिल जाता है। दूसरा, आपको इसमें अपने खान पान का ध्यान रखना है। खान पान में आपको तली हुई चीज़ें, जो भुनी हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा आप तवे पर भूनते हैं, तलते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उन ऐसे पदार्थों को आप ज़्यादा सेवन करें, ताकि ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा आपका और ब्लड को वापस प्यूरिफाई होने में हेल्प मिलती है। तो आपको खान पान में ध्यान रखना है, प्लस उपचार में हम क्या कर सकते हैं, इसका नेचुरल तरीके से अगर आप इसका इसमें जाते हैं तो इसका पूरी तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। सर्जरी इसका इलाज नहीं है। सर्जरी अगर आप कराते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका इसमें सर्जरी की जाती है, सर्जरी अगर आप कराते हैं तो सर्जरी से आप जो ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको तो आप निकाल सकते हैं लेकिन उसके कारण को दूर नहीं कर सकते। तो कारण को अगर दूर करना है तो आपको नेचुरल ट्रीटमेंट में ही आना होगा, नेचुरल तरीके से ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने खान पान को चेंज करके ही इसको ठीक करना होगा। कुछ योग के अभ्यास भी आप इसमें कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या योग के अभ्यास इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो जनरल हम इसमें ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप मसाज करें, ठंडी मसाज। आपके घर में फ्रिज में आइस रहता है, आप उसको किसी सूती कपड़े में, कॉटन कपड़े में आप उसकी पोटली बनाएं, उससे आप इसको धीरे धीरे सेकें। जहाँ जहाँ आपका वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम, आपकी वेन्स फूल गई हैं, ब्लड रुक गया है, क्लॉट्स बन गए, वहाँ पर आप ठंडा सेक करें और फिर हल्के हाथ से उसको मसाज करें अपने। अगर आपके लेफ्ट लेग में ज़्यादा पैचेस हैं वेरिकोज वेन के तो आप राइट हैंड से मसाज करें, और यदि आपके राइट लेग में हैं तो लेफ्ट हैंड से आप मसाज करें। तो इस प्रकार से जो है हल्के हल्के हाथ से आपको मसाज करना है। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि वेरिकोज वेन होने पर जब आप मसाज कराते हैं या करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर देने पर अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है लेकिन उसके नुकसान आपको हो सकते हैं। उससे कई बार वेन्स रैप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और वेन्स आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो आपको हल्के हाथ से ही करना है। अब ऑयल कौन सा लें, आप कहेंगे कि किस ऑयल से हम मसाज करें। आप अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल से वेरिकोज वेन में मसाज करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। वेरिकोज वेन में हल्के हाथ से कैस्टर ऑयल को हाथ पे लें और हल्के हल्के हाथ से मसाज को आप नीचे से ऊपर की ओर ब्लड के सर्कुलेशन को ले जाएं, ताकि जो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे वो खुलने लगे। साथ में आप कुछ योग के अभ्यास भी करें।
मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन से अभ्यास करने हैं। सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन ये एक प्राणिक प्राणायाम है, प्राणिक क्रिया है। इसमें क्या करेंगे, आप अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। ये फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करेंगे, प्राणायाम मुद्रा इसको कहते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। और अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। श्वास को अंदर ही रोकिए। जब श्वास अंदर रोकते हैं तो बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाया, लॉक करेंगे, चिन लॉक। दूसरा मूल बंद, अपने एनस भाग को नाभि से नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए, पूरा मूत्र इंद्रियों को, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाओ। फिर राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ा, राइट से श्वास लें, फिर से बंद लगाओ, जालंधर बंद और मूल फिर से लगाओ, श्वास को अंदर ही रोको, फिर बंद हटाते हुए श्वास को धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक चक्र नाड़ी शोधन का पूरा होता है। ऐसे कम से कम आप 11 चक्र करें नाड़ी शोधन के, लेफ्ट से लेकर, लेफ्ट से ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो एक चक्र कंप्लीट होता है। जब हम श्वास को भरेंगे तो श्वास को अंदर रोकना है हमें, बंद लगाना है। रोकेंगे कितने समय, आप जितना समय श्वास को लेने में लगता है उतना ही समय श्वास को होल्ड कर सकते हैं और उतने ही समय में श्वास को बाहर छोड़, तो लेने में, रोकने में और छोड़ने में एक समान समय रहे। तो ये आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, इससे आपकी बॉडी में नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, एनर्जी और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा बॉडी के अंदर। तो वेरिकोज वेन में बहुत लाभकारी अभ्यास है ये। जो बंद नहीं लगा पाते, कई बार श्वास लेने में आपको घुटन फील होती है, आपको अभ्यास नहीं होता, तो आप बिना बंद के भी अनुलोम विलोम करते रहें, जैसे लिया वैसे ही छोड़ा, फिर लिया फिर छोड़ा, अनुलोम विलोम। इनकी पूरी विधि आप ठीक से यदि देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल योग गुरु राजेश पर जाएं और वहां पर आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास करें। इसमें कुछ योग के अभ्यास और आप कर सकते हैं तो आप उनको भी देखें। अब आप वेरिकोज वेन के लिए ये दो अभ्यास भी आप कर सकते हैं, इनसे भी आपको लाभ होता है। इसमें दोनों पैरों को मिलाएं, आप सीधा लेटें बिल्कुल, और हाथेलियों को अपने जंघाओं के पास रखें। श्वास लेते हुए अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर उठाना है, इस प्रकार से यहीं पर रोक कर रखें। कुछ समय रोकें श्वास अंदर लेते हुए, फिर धीरे धीरे वापस। तो अर्धहलासन का अभ्यास भी आप करें, इससे भी वेरिकोज वेन में लाभ होता है। इसे आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। सर्वांगासन दूसरा अभ्यास आपको करना है। सर्वांगासन, सर्वांगासन में दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाया 90 डिग्री पर, अपनी हथेलियों के सपोर्ट लेते हुए पीठ को ऊपर लेके सीधा, कुछ समय रोकने के पश्चात धीरे से अपने पैरों को पीछे की ओर लाएं, अपनी पीठ को नीचे टच करते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ले। तो ये दोनों अभ्यास आप रोज सुबह खाली पेट करें और रात को सोते समय जब आप बेड पर सोते हैं तो आपको अपने पैरों के नीचे पिलो लगा सकते हैं, आप कुशन रखें इस प्रकार से, कम से कम इतना ऊंचा आपके पैर रहें, 1 फीट की ऊंचाई पर ऐसे कुशन रखकर आप अपने पैरों को रखें सोते टाइम। तो इससे आपके ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर आता है, तो जो ब्लॉकेज हैं वो खुलने लगते हैं। तो इन अभ्यासों को आप ज़रूर करें। तो आपने इन अभ्यासों को देखा, इन अभ्यासों को आप प्रतिदिन करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें और आप साथ में आयुर्वेद का प्रयोग करें। आयुर्वेद में पुनर्नवादी मंजूर और काचनार गुगल, ये दोनों टैबलेट्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। आप कहीं भी रहते हैं आप वहीं से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से जो आयुर्वेद की मेडिसिन रखते हैं। एक एक गोली दोनों में से आपको सुबह और शाम खाने के बाद गोली को थोड़ा चबा लीजिए और ऊपर से पानी पीकर उसको लें।
तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और इफेक्ट बढ़ जाता है चबाने से। तो चबाकर टैबलेट खाएं, और साथ में जो मैंने आपको बताया कि आपको ठंडा सेक करना है बर्फ का, और जिन्हें प्रॉब्लम गंभीर है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम हो गई है और सर्जरी के लिए आप अपना मन बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार आप सर्जरी कराने से पहले आप आरोग्यम सेंटर पर में संपर्क करें, दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करें और कंसल्टेंसी लें, एक बार आप बात करें, उससे आपको जो समाधान मिलेगा हो सकता है आप सर्जरी से बच जाएं, आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता ही ना पड़े। देखिए, सर्जरी उन्हीं लोगों को कराने की आवश्यकता पड़ती है जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते, जो करने के लिए तैयार नहीं है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल को जीने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए फिर सर्जरी है। लेकिन यदि आप ठीक होना चाहते हैं बिना सर्जरी की, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कॉल करें और अपना समाधान प्राप्त करें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, माताओं और बहनों को बहुत अधिक होती है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, बस आपको और एक पुण्य का कार्य आपका प्लस हो जाता है आपके कार्यों में। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे, योग आयुर्वेद पर फिर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।